जी व्यूअर्स, ये देखें हम घर के बाहर आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से भी घर जाके, घर के छत का रास्ता भी बताता हूँ। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। और व्यूअर्स, कोई नई ताज़ी, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है? बहुत लोगों ने पसंद किया है चैनल को, बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे आप लोग रह रहे हैं। मैंने कहा चलें अपने बारे में भी सारा कुछ आपको बताऊँ, छोटी छोटी बातें मैंने कहा था आपको बताऊंगा। तो उसी तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक घर का भी जो है व्लॉग बना के दिखाऊंगा, अपने घर का कि कैसा हमारा घर है। इसी तरह मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि मैं यहाँ करता क्या हूँ, कैसे यहाँ पर सर्वाइव किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से बहुत सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियोज़ को शेयर लाइक किया है। लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत खुशी होती है सबसे बात करके, कुछ छोटी छोटी लोगों के मसले उनको बता के, उनको थोड़ा सा गाइड करके। तो इसमें जाता किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो किसी को हेल्प हो जाती है तो उसमें हमें भी बड़ी खुशी होती है और लोग भी बहुत खुश होते हैं कि चलो भाई आप इतना गाइड कर देते हैं। तो चलें आए व्यूअर्स, मैं आपको आज दिखाता हूँ अपना सारा घर। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी लॉबी है। तो आए मैं आपको ये देखें, ये मेरे पीछे बिल्कुल डोर है, ये बाहर से एंट्रेंस है, यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा मुझे व्यूअर्स एक और बात करनी थी आपसे। ईद बिल्कुल बकरा ईद सर पे है, तो आप लोग भी ज़रूर शेयर करके बताएं कि आपकी क्या क्या तैयारियाँ हैं ईद की। तुर्की में पाकिस्तानी लोग हैं वो कैसे ईद मनाएंगे, और पाकिस्तान में जो है हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो कैसे ईद मनाएंगे, उसका ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह हमारी भी भरपूर तैयारियां हैं, हम आपको ईद पे इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे और बहुत कुछ जो है ना वो ईद के बारे में आपको यहाँ दिखाएँगे। तो नई नई बातें आपको पता चलेंगी जो अभी बहुत से लोगों को नहीं पता कि तुर्की में ईद कैसे मनाई जाती है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको ईद पे बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। उससे पहले भी और भी वीडियोस आती रहेंगी, बाद में भी आएंगी, लेकिन चलें आएँ पहले आपको मैं घर दिखाता हूँ सारा। जी व्यूअर्स, तो ये देखें जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाहर से एंट्रेंस है, आएँ पहले मैं आपको एंट्रेंस से दिखाता हूँ। ये हमारी ये एंट्रेंस के डोर से पहले भी एक छोटा सा डोर है जहाँ पे ना ये छोटी सी जगह है, यहाँ पे आप बड़ा प्यारा सा छत बना हुआ हर जगह। तो यहाँ पे भी जो है ना हम अपना शूज़ वगैरह उतार देते हैं, और ये हमारा जो है वो है गर्म पानी के लिए, आप कह लें गीज़र कह लें, यहाँ पे इस तरह के गीज़र होते हैं। ये देखें ये डिजिटल गीज़र है, अभी मैं आपको और भी बताता हूँ कि इस गीज़र का और क्या क्या काम है। जी व्यूअर्स, तो ये जगह है, और ये बाहर का एक शीशे का डोर है, इसको हम ओपन करें तो ये देखें ये हमारी बाहर की स्ट्रीट है, और ये देखें ये सारी हमारी स्ट्रीट है, ये सामने के घर हैं, ये देखें ये जी बच्चे माशाल्लाह बाहर खेलते हैं इस टाइम पे, बड़ा ज़बरदस्त है। वो देखें लोगों के भी बच्चे खेल रहे हैं सब। व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत पुरसकून माहौल है, ऐसे ही है जैसे समझ लें अपना पाकिस्तान का देसी माहौल है, बड़े अच्छे से लोग हैं, सॉफ्ट से और बड़े पोलाइट से। तो ये है हमारा बाहर का एंट्रेंस, तो आएँ अब अंदर चलते हैं घर के। जी व्यूअर्स, तो इस तरह हम ये घर में एंटर होते हैं, ये घर का डोर है। ये देखें सारे घर पे जो है ना छत लकड़ी की, और बहुत लकड़ी का काम हुआ है और बहुत ज़बरदस्त लकड़ी लगी होती है, और बहुत अच्छा छत बने हुए हैं। ये व्यूअर्स एंटर होते साथ ही ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कबर्ड है,
ये कपड़ों के लिए। फिर ये लॉबी है, इसे आप छोटा सा लॉन्च टाइप भी कह सकते हैं। इसमें ये लेफ़्ट साइड पे व्यूअर्स बेडरूम है, एक डबल बेड भी रख सकते हैं, सिंगल भी। ये भी माशाल्लाह से दोनों साइडों पे खिड़कियां लगती हैं, बहुत हवादार है घर। छत इस कमरे की भी ऐसे ही है। इसके बाद हम यहाँ से वापस आएँ और हम आगे चलें। आगे चलने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि इधर राइट साइड पे लॉन्च है, टीवी लॉन्च, जो मैं आपको बाद में आके दिखाता हूँ। अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये देखिए आप, ऐसे ही हमने लॉबी में कारपेट डाला हुआ है और यहाँ पे हमने छोटा सा टेबल, कुर्सियाँ रखी हुई हैं खाना वगैरह खाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद ये आगे लेफ़्ट साइड पर एक और बेडरूम आता है, ये आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो देख रहे होंगे आप, ये हमारा बेड है। इस साइड पे ये सारी इतनी बड़ी कपबोर्ड है छत तक। उसके अलावा वो ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है और ये बाहर की खिड़की है। व्यूअर्स ये देखें, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये खिड़की व्यूअर्स, ये बाहर हमारे जो है ना, हमारे ही घर का एरिया है। ये भी मैं आपको भी दिखाता हूँ बाहर से। ये हमारे घर में, घर का बाहर थोड़ा सा खेलने का बच्चों का एरिया, और दूसरी तरफ ये जो है ना, बाकी वो ऑनर का घर है पीछे, जो हमारा मालिक मकान है उसका। ये देखें व्यूअर्स, ये खिड़की है। यहाँ की सब खिड़कियों का व्यूअर्स ये है कि आप इनको इस तरह करके तो ये बंद कर देंगे, ये बंद हो गई। और इसके अलावा एक तो ये आप इसको ये कि आप ओपन कर लें, ओपन करके जब आप ये जाली भी ओपन करेंगे तो इसमें से आप अंदर बाहर गुजर सकते हैं। मतलब ये बहुत सेफ इलाका, वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी डरने की, लेकिन ये है कि फिर भी चलें। अगर आप इसको ये भी नहीं चाहते कि आप इसको यहाँ से जो है वो गुज़रें, तो आप इसको दूसरी तरह ओपन करें, अगर खिड़की को ये ऊपर करके ऐसे। तो व्यूअर्स ये देखें, आपने नोट किया, ये खिड़की ऊपर से खुल गई है और नीचे से बंद है। ये इस तरह से ऊपर से आगे को आ गई है, इसको कहते हैं हाफ़ खुली है खिड़की। जब हमने इसको वापस दबा के इधर करेंगे व्यूअर्स, तो ये बंद हो जाएगी, ये ऊपर से खुल जाती है, ये नीचे से बंद होती है। इसको ऐसे करेंगे तो ये पूरी भी खुल सकती है। इसी तरह व्यूअर्स ये है, ये हाफ़ खिड़की खुलती है, तो इसमें ये सेफ्टी रहती है कि ना कोई बच्चा बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है, और हवा की हवा भी आती रहती है। अगर आपको कम ठंडक चाहिए, आप समझते हैं ज़्यादा घर में अगर कूलिंग ना हो, तो आप थोड़ी खिड़की खोल सकते हैं व्यूअर्स। ये देखें व्यूअर्स, कितनी बड़ी कपबोर्ड है इस बेडरूम में। आगे अब हम आपको बाहर लेके आता हूँ। तो ये देखें, यहाँ टेबल पड़ा हुआ था व्यूअर्स। इस तरफ टॉयलेट है, चलें पहले मैं आपको टॉयलेट भी दिखा देता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे घर का बाथरूम है, और बाथरूम में एंटर हो के सबसे पहले इस साइड पे है हमारा बेसन लगा हुआ है, ये देखें। और इसमें भी ये देखें सारी कैबिनेट्स बनी हुई हैं, ये इधर भी हैं कैबिनेट्स, ये देखें ये इधर भी कैबिनेट्स पड़ी हुई हैं सारी। फिर इसके अलावा इधर कमोड लगा हुआ है। फिर ये नहाने के लिए दुशा कैबिन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसको यहाँ पे दुशा कैबिन कहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा हमारा बड़ा अच्छा खुला बाथरूम है और खुला कैबिन लगा हुआ है। तो व्यूअर्स, इज्जत से अब बाथरूम से हम आ रहे हैं वापस। आप देख रहे हैं, ये हम फिर लॉबी में आ गए हैं। अभी ये एक आप देखेंगे सामने बिल्कुल डोर है, और ये डोर बेसिकली हमारे घर से बाहर पिछली साइड पे निकल रहा है, जो मैंने आपको बाहर की जगह बताई है ना कि जहाँ बच्चे खेल सकते हैं, ये वहाँ पे जाता है रास्ता। मैं आपको बाहर भी दिखाता हूँ वो। इसी तरह ये भी सारी छत तक अलमारी पड़ी हुई है, ठीक है। फिर इस तरफ व्यूअर्स आ जाएं तो इधर किचन है, और ये हमारा फ्रिज है। मैं पहले अपना फ्रिज और वॉशिंग मशीन किचन में दिखा चुका हूँ अपने व्यूअर्स को। तो ये देखें जी, ये हमारा किचन है, और माशाल्लाह से हमारे लिए बहुत अच्छा किचन है।
और सारा ही घर बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा बना हुआ है। आपने नोट किया होगा, ये देखें नीचे सारे घर में जो है ना वो टाइलें बहुत ज़बरदस्त लगी हुई हैं। ये देखें सारे घर में बड़ा माशाल्लाह से साफ़ करते हैं तो ऐसे चमकता रहता है, बहुत ज़बरदस्त है। दीवारें भी साफ़ सुथरी हैं। अच्छा तो ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको किचन दिखा रहा था, फ्रिज के बाद ये किचन में वॉशिंग मशीन है, ये भी आप देख चुके हैं मेरी वीडियो में। और ये देखें जी माशाल्लाह पत्थर का सारा बना हुआ है, ये चूल्हा भी लगा हुआ है, चूल्हे के ऊपर ये एग्जॉस्ट है, ये भी तकरीबन हर घर में लगा होता है। ये बहुत अच्छा बड़े प्रेशर से चलता है और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो हवा खींचता है। ये देखिए ये हमारा चूल्हा है एग्जॉस्ट, माशाल्लाह बहनें जो देख रही हैं उनको बहुत पसंद आया होगा। तो ये है हमारा सारा किचन, यहाँ पे क्रॉकरी कटलरी सारा कुछ पड़ा हुआ। तो चलें व्यूअर्स आगे हम चलते हैं किचन से बाहर, कैबिनेट्स किचन में। ये देखें व्यूअर्स कैबिनेट्स सारी, इधर भी कैबिनेट्स हैं, ये भी सारी कैबिनेट्स हैं। ये देखें काफ़ी काफ़ी अच्छा है सारा, नीचे भी सारी कैबिनेट्स ड्रॉअर हर चीज़ बनी हुई है, बहुत अच्छा माशाल्लाह बना हुआ है। तो चलें व्यूअर्स ये देखें हम बाहर आ गए किचन से जी व्यूअर्स। तो चलें अब हम चलते हैं, लॉन्च रह गया था आपको दिखाने वाला। व्यूअर्स आपको ये बताता चलूँ, ये देखें ये सारे घर में ये लगे हुए होते हैं, ये हैं हीटर्स, आप इन्हें कह लें कि ये जो है ना इनके अंदर गर्म पानी मूव करता है और ये उससे घर में हीटिंग करते हैं। तो बाहर जो आपको मैंने दिखाया था वो जो गीज़र लगा हुआ है इलेक्ट्रिक, जो कॉम्बी लगी हुई है, वो बेसिकली पानी को गर्म करती है और पानी सारे पाइपों में से होके इसमें से गुजरता है। तो ये सर्दियों में बहुत अच्छी हीटिंग करते हैं सारे घर में। ये इसी तरह ये जगह जगह लगे होते हैं, हर कमरे में एक या दो लगा होता है, इधर भी लगा हुआ है उधर भी लगा हुआ है। और ये इस तरह ये बहुत ज़बरदस्त हीटिंग करते हैं और इसको आप हाथ भी लगा सकते हैं जो है ना, सर्दी में इसके साथ खड़े हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ना ये करंट देता है ना ये कोई चीज़ जलाता है। तो व्यूअर्स अब आएँ ये देखें, एंटर होते यहाँ से हम एंटर हुए थे और ये एंटर होते साथ ही जो राइट साइड पे लॉन्च का कमरा था, अब मैं आपको ये दिखा दूँ। ये भी देखें काफ़ी अच्छा बड़ा कमरा है, ये देखें व्यूअर्स जी यहाँ से इस साइड पर भी सोफ़ा कम बेड पड़ा हुआ है। और ये बाहर खिड़की है, बाहर की तरफ जो खुलती है, और इस साइड पे सोफे लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने अपना कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है जहाँ मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ आप लोगों के लिए। और ये भी देखें सोफे, और ये इधर भी साइड पे खिड़की है, ये भी बाहर को खुलती है। और माशाल्लाह हवादार घर है, एसी लगा हुआ है और हर चीज़ बहुत अच्छा है माशाल्लाह। व्यूअर्स यहाँ पे ये इस तरह के फैंस यूज़ होते हैं गर्मियों में, एक उसका बेडरूम में भी पड़ा हुआ है, एक ये भी रिमोट कंट्रोल फ़ैन है, और यही हल्का सा चला लें तो बस काफ़ी गुजारा हो जाता है, वैसे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बहुत आपको एक हफ़्ता दस दिन गर्मी लगे तो आप फिर एसी भी चला सकते हैं। ये भी देखें व्यूअर्स सारा छत, वैसे ही सारे घर का छत बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें ये दो कमरों के बराबर बड़ा हॉल है कमरा, सेंटर में वो थोड़ी सी पार्टीशन टाइप हुई हुई है। और जो है तो व्यूअर्स आए आपको अब मैं ज़रा बाहर से भी दिखाता हूँ घर, और बाहर से भी कि हमारा पीछे का एरिया है वो कैसा है। तो आए चलें मैं आपको पहले वो दिखा के लाता हूँ जी व्यूअर्स। तो ये देखें हम घर के बाहर आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से भी घर जाके, घर के छत का रास्ता भी बताता हूँ। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ व्यूअर्स, ये देखें कि ये यहाँ पर पानी का क्या सिस्टम होता है। बिजली का तो वैसे ही है ना कि बिजली के मीटर लगे होते हैं, बिल आता है, लेकिन पानी का क्या सिस्टम है ये देखें व्यूअर्स। पानी का मीटर ऐसे लगा होता है और ये इसमें कार्ड स्वाइप होता है, जैसे पेड कार्ड होता है, ये यहाँ पे इसमें कार्ड डलता है और उसमें आप पहले एडवांस बैलेंस डलवा के रखते हैं, लोड करवा लेते हैं, तो वो कार्ड इसमें यूज़ होता है। आप कार्ड जब आपका पानी बंद हो जाए तो आप मीटर में कार्ड मारेंगे, कार्ड लगाएंगे तो वो पानी फिर से चालू हो जाएगा, इसका कोई बिल वगैरह नहीं आता।
ये व्यूअर्स, ये है हमारा घर। तो ये देखें, ये हमारा साथ का बाहर का रास्ता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा वो आगे जो है व्यूअर्स, वो हमारे जो ऑनर्स हैं घर के, वो उनका पोर्शन है, उनका घर है। ये हमारा घर यहाँ पर ऐसे पीछे ख़त्म हो जाता है। ये देखें, ये पीछे का एरिया है, वो जो मैं आपको बता रहा था दरवाज़ा पीछे निकलता है, वो यहाँ पे निकलता है। यहाँ साइकिलें, मोटरसाइकिलें वगैरह बच्चे खड़ी कर सकते हैं। ये दरवाज़ा जो हमारा उधर से निकल रहा है हमारे घर में से बाहर। तो यहाँ पे भी पानी का इंतज़ाम है। ये बड़ी माशाल्लाह पीछे अच्छी जगह है। यहाँ धो के कपड़े वगैरह डाल सकते हैं, सुखा सकते हैं, फिर कोई भी चीज़ धोनी छोनी हो इधर बाहर धोई जा सकती है। तो आए ऊपर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं व्यूअर्स। तो ये भी बताता चलूँ कि आपको ये जो घर है इसका किराया क्या है। किराया है 800 तुर्किश लीरा। हमारे घर का जो रेंट है वो 800 तुर्किश लीरा है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैं ऊपर आ गया हूँ। ऊपर भी ये देखें, छोटा सा सहन सा कह लें आप, बड़ा प्यारा है। छांव होती है इधर, ये भी छत इनका इस तरह लाइट वगैरह लगी हुई है। और यहाँ पे ये डिशें लगी हुई हैं जिससे, और ये बेसिकली हमारे घर का जो छत है वो ये है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे छत इस तरह के होते हैं, तकोनी से बर्फ़बारी के लिहाज से बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ ज़्यादा छतों के ऊपर रुके ना। तो हम मतलब इधर से अपने ये छत पे नहीं जा सकते, ये छत ऐसे ही है बस। ये जो है, ये थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे बैठ सकते हैं चेयर्स वगैरह रख के। उसके अलावा यहाँ ये पानी का इंतज़ाम, सिंक वगैरह है। यहाँ बैठ के बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। ओपन प्लेस में चाय शाय पीने के लिए भी यहाँ बैठा जा सकता है। टीवी भी लगाना चाहें तो यहाँ स्टैंड लगा पड़ा है, टीवी भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स, ये देखा आपने सारा घर मैंने आपको दिखाया ऊपर से भी। तो आए व्यूअर्स, वापस चलते हैं अपने घर के। ये भी जगह बड़ी अच्छी है व्यूअर्स। यहाँ पे भी बंदा कपड़े शपड़े भी डाल सकते हैं सुखाने के लिए। यहाँ पे भी दरवाज़ा लगा हुआ है। चले आए, अंदर चलते हैं अब वापस। प्लीज़ मुझे बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, हमारा घर कैसा लगा। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जल्दी वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि मैं यहाँ क्या क्या करता हूँ और यहाँ क्या क्या किया जा सकता है। तो फिर इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 को पहुंचेंगे, मैं आपको कोई स्पेशल व्लॉग बना के किसी स्पेशल प्लेस का जो आपको, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।